हेलो दोस्तों, न्यूमरोलॉजी एक बहुत ही रोचक सब्जेक्ट है और रोचक होने के साथ साथ ये बहुत ही यूजफुल सब्जेक्ट है। यह वह विद्या है जिसमें आप किसी व्यक्ति से उसकी जन्म तिथि और जन्म का वर्ष पूछकर थोड़ी सी कैलकुलेशन करके इतना कुछ जान सकते हैं कि वह व्यक्ति स्वयं हैरान हो जाएगा कि आपको ये सब इतनी ठीक ठीक कैसे मालूम हुआ। यह वीडियो जो कि न्यूमरोलॉजी श्रृंखला के अंतर्गत है, उसमें एक और फैसिनेटिंग टॉपिक ले कि हर मूलांक के लिए कौन सा दिन, कौन सी तिथि और कौन सा रंग लकी होगा। इससे आपकी रोजाना जिंदगी में भी और कोई खास इवेंट करते हुए भी आपको बहुत फायदा मिल सकता है। दोस्तों, आपने जरूर यह गौर किया होगा कि हर प्लेयर कोई ना कोई खास नंबर की जर्सी ही पहनता है। ऐसा क्यों है? कई लोग अपनी गाड़ी के लिए मनपसंद नंबर लेने के लिए लाखों रुपए तक खर्च कर देते हैं। ये लोग बहुत मेहनत करते हैं कि उन्हें अपने मोबाइल फोन का एक खास नंबर मिले। ऐसा लोग क्यों करते हैं? क्योंकि उन लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है कि कोई खास नंबर ही उनके लिए सूटेबल बैठते हैं। अब आप में से हो सकता है कि कुछ लोग अभी भी कन्विंस नहीं हुए होंगे, तो उन लोगों के लिए मुझे कहना है कि हर नंबर की एक वाइब्रेशन होती है और उस नंबर का एक रूलिंग प्लैनेट होता है जो हमारे पर अनुकूल या प्रतिकूल असर डालता है। अब आप ही बताइए कि आप एक ही खास डेट पर क्यों पैदा हुए, उससे एक दो दिन पहले या एक दो दिन बाद में क्यों नहीं हुए। जैसे कि हर व्यक्ति कोई ना कोई खास डेट पर पैदा हुआ है, उसके लिए कोई ना कोई नंबर लकी होते हैं और कोई नंबर उसको सूट नहीं करते हैं। कोई डे या कोई डेट उसके लिए लकी होती है या उसको सूट नहीं करते। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक एक के बारे में। कहना जरूरी ना होगा कि जिन लोगों का जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक है एक। और एक नंबर का रूलिंग प्लैनेट है सूर्य यानी कि सन। तो आपके लकी नंबर्स नोट करिए, वह है 9, 2, 5, 3 और 7। आपको नंबर 8 से सावधान रहने की जरूरत है और नंबर 4, 6 और 1 आपके लिए न्यूट्रल है। अब बात करते हैं लकी दिन की। तो आपके लिए रविवार और मंगलवार यानी कि संडे और ट्यूसडे लकी डेज है। थोड़े कम लकी हैं सोमवार डेट इज मंडे, बुधवार, वेडनेसडे और शुक्रवार यानी कि फ्राइडे। आपकी लकी डेट्स हैं किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख। परंतु आपको कोई भी नया या शुभ काम 8 तारीख, 17 तारीख, 26 तारीख करने से बचना चाहिए। नंबर 1 वालों को 4, 13, 22, 31, 8, 17 और 26 तारीख को भी बहुत जरूरी काम नहीं करने चाहिए। आपके लकी कलर्स हैं गोल्ड, ब्राउन, ऑरेंज और येलो। अब लेते हैं नंबर 2। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को हुआ है, तो आपका साइकिक नंबर है 2 और आपका रूलिंग प्लैनेट है चंद्रमा यानी कि मून। आपके लकी नंबर्स होंगे 1, 5, 3, 2 और 7। इसी तरह से आपको 8, 4 और 9 से विशेष लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही आपको नंबर 6 से सावधान रहने की आवश्यकता होगी। आपके लकी डेज होंगे रविवार यानी संडे, सोमवार यानी मंडे और बुधवार यानी कि वेडनेसडे। मंगलवार और गुरुवार यानी कि ट्यूसडे और थर्सडे आपके लिए न्यूट्रल रहेंगे। शुक्रवार और शनिवार को आपको कोई शुभ या जरूरी या महत्वपूर्ण कार्य नहीं शुरू करना चाहिए। आपकी लकी डेट्स होंगी 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख, 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख भी। परंतु आपको 8, 17, 26, 9, 18 और 27 तारीख को शुभ काम अवॉइड करने चाहिए।
आपके लकी कलर्स हैं टर्कोइस यानी कि फिरोजा, हरा, पीला, सफेद और सुनहरा अर्थात गोल्डन। तो ये मैं उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया है। अब बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 का स्वामी ग्रह है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। और अगर आप किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को जन्म लिए हुए हैं तो आपका मूलांक होगा 3। मूलांक 3 वालों के लकी नंबर्स हैं 1, 2, 5, 7। इसी के साथ साथ 6 नंबर से आपको सावधान रहना होगा और नंबर 8 और 4 आपके लिए न्यूट्रल है। आपके लिए लकी डेज होंगे रविवार, संडे, मंगलवार यानी कि ट्यूसडे और बृहस्पतिवार मतलब थर्सडे। आपकी लकी डेट्स हैं 1 तारीख, 3 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 12 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 21, 27 और 30 तारीख। अब नोट करिए आपके लकी कलर्स। आपके लकी कलर्स हैं पीला, केसरिया, भूरा, गुलाबी, गोल्डन, गोल्डन ब्राउन, नारंगी, पीला, लाल। परंतु आपको अवॉइड करने चाहिए काला रंग, गहरा नीला रंग और गहरा भूरा रंग। अगला नंबर है 4। 4 का स्वामी ग्रह है राहु। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक होगा 4। आपके लकी नंबर्स हैं 1, 3, 5, 6, 7 और साथ ही आपको 9, 2 और 8 नंबरों से सावधान रहना होगा। 3 आपके लिए न्यूट्रल रहेगा। आपके लकी डेज होंगे रविवार, सोमवार, बुधवार यानी कि संडे, मंडे एंड वेडनेसडे। और आपकी लकी डेट्स हैं 1 तारीख, 4 तारीख, 10 तारीख, 13 तारीख, 19 तारीख। परंतु आपको जो डेट्स नहीं सूट करेंगी वह है 2, 8, 17 और 26 तारीख। अब नोट करिए आपके लकी कलर्स वह है भूरा, खाकी, नीला, मटमैला और टर्कोइस। आइए अब बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 का स्वामी ग्रह है बुध यानी कि मरकरी। और अगर आप किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को जन्मे हैं तो आपका मूलांक होगा 5। और अब बात करते हैं आपके लकी नंबर्स की। 1 नंबर, 2 नंबर, 5, 6, 7, 14 और 23 आपके लिए लकी नंबर्स हैं। परंतु आपको नंबर 8 से सावधान रहना होगा और साथ ही साथ नंबर 9 और 4 आपके लिए न्यूट्रल होंगे। आपके लकी डेज होंगे सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार। अंग्रेजी में मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे। अब बात करते हैं आपकी लकी डेट्स की। तो महीने की सभी डेट्स आपके लिए लकी हैं, सिर्फ 4, 8, 9, 13, 26 और 27 को छोड़कर। अब कलर्स, लगभग सभी कलर्स आपके लिए सूटेबल हैं। सभी ब्राइट कलर्स और सभी लाइट ब्राउन कलर्स आपके लिए सूटेबल हैं। हाँ, डार्क कलर्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। अगले नंबर की बात करें तो वह नंबर होगा 6। 6 नंबर का स्वामी ग्रह है शुक्र यानी कि वीनस। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक होगा 6। आपके लकी नंबर्स हैं 1, 4, 5, 6, 7 और 8 नंबर आपके लिए न्यूट्रल होगा। आपके लिए कुछ कुछ अनफेवरेबल नंबर हो सकता है 9 यानी कि 9। आपके लकी डेज हैं बुधवार और शुक्रवार मतलब वेडनेसडे और फ्राइडे। चलिए अब बात करते हैं लकी डेट्स की। तो 1, 4, 5, 6, 10, 14, 15, 16 आपके लिए लकी डेट्स हैं। और इसके साथ ही आपको 2, 3 और 9 तारीख को अवॉइड करना बेहतर होगा। अब आप जानना चाहेंगे आपके लकी कलर्स। तो आपके लकी कलर्स हैं सफेद, हल्का नीला, हल्का गुलाबी, ओपेल।
जो आपको अवॉइड करना चाहिए वह है काला रंग। अब बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ। आप जानते ही होंगे कि नंबर 7 का स्वामी ग्रह है केतु, और अगर आप किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को जन्मे हैं तो आपका मूलांक होगा 7। आपके लकी नंबर हैं 1, 3, 4, 5, 6, 7, और आपको अवॉइड करने हैं 2, 8 और 9 नंबर। आपके लकी डेज होंगे रविवार यानी कि संडे, बुधवार, वेडनेसडे और बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे, और फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। आपकी लकी डेट्स हैं 7 और 16। आपके लकी कलर्स हैं सफेद, हल्का पीला, आसमानी यानी कि स्काई ब्लू और हरा। लीजिए अब हम आ गए नंबर 8 पर। 8 का स्वामी ग्रह है सैटर्न यानी कि शनि। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक यानी कि साइकिक नंबर है 8। आपके लकी नंबर्स हैं 3, 5, 6, 7, 8। इसके साथ ही आपको 2 और 9 नंबरों से सावधान रहना होगा। आपके लकी डेज होंगे बुधवार यानी कि वेडनेसडे, शुक्रवार यानी कि फ्राइडे और शनिवार यानी कि सैटरडे। आपकी लकी डेट्स होंगी 3, 5, 7, 8, 17, और आपको अवॉइड करनी है 1, 2, 4, 9। आपके लकी कलर्स हैं गहरा भूरा, काला और गहरा नीला। इसके साथ साथ बैंजनी कलर भी आपको सूट कर सकता है। अब बात करते हैं 9 नंबर की। तो आप अगर 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को जन्मे हैं तो आपका मूलांक यानी कि साइकिक नंबर होगा 9। इसका स्वामी ग्रह है मंगल अर्थात प्लैनेट मार्स। आपके लकी नंबर्स हैं 1, 3, 5, 7 और 9, और साथ ही आपको सावधान रहना होगा 2, 4, 6 और 8 नंबरों से। आपके लकी डेज होंगे रविवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार, अंग्रेजी में संडे, ट्यूसडे और थर्सडे। आपकी लकी डेट्स हैं 1, 3, 5, 7, 9 और 10, और जो डेट्स आपको अवॉइड करनी होंगी वह हैं 2, 4, 6, 8, जिसमें आप कोई बहुत जरूरी या ऑस्पिशियस काम ना पकड़े तो अच्छा है। आपके लकी कलर्स हैं लाल और गुलाबी। दोस्तों अगर आप भी अंकों के बारे में और अधिक विस्तार से जानना चाहते हैं यानी कि अंक हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं तो आप न्यूमरोलॉजी की वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं या आप हमारे से इंडिविजुअली 1-to-1 न्यूमरोलॉजी सीख सकते हैं, और इसको सीखकर आप अपने लाइफ को और अच्छे से प्लान कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों का भी कल्याण कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, बस अब स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों पर आप हमें कॉल करिए और जानकारी प्राप्त करिए कि कब कौन सी वर्कशॉप कहाँ हो रही है या फिर आप किस तरह से हमारे से इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस विषय में और अधिक विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर इस आर्टिकल को डिटेल में पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप और अधिक न्यूमरोलॉजी के बारे में फ्री में जानना या समझना या पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी पूरी न्यूमरोलॉजी सीरीज देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, जिसमें हमने बहुत सारे वीडियोस पहले से ही अपलोड किए हैं और रेगुलरली फ्यूचर में भी अपलोड करते रहेंगे। तो बस इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और हाँ घंटी वाले निशान को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, इससे आपके पास हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगी। आपने इस वीडियो को अंत तक इतने ध्यान से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।